दोस्तों कान में तेल डाल के मेरी बात ये गौर से सुन लो। पाई नेटवर्क की ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपनी इस वीडियो के ऊपर पाई नेटवर्क की। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा क्या आप अपने कॉइन को सेल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो आप किन को सेल करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है। आज की ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है A to Z। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को भी आपने प्रेस करना है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आप अपने कॉइन सेल करना चाहते हैं, क्या आप इसके ऊपर कब से माइनिंग कर रहे हैं, क्या आपकी KYC नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत सारी गलतियां निकल के आ चुकी हैं जो कि मुझे दोस्तों ने बताई हैं मुझे मैसेज करके। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज भी कुछ लोगों के मैसेज आए थे, वो कह रहे थे भाई हमारी KYC नहीं हो रही, तकरीबन 3 साल से हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी। अगर आपको 1 महीना भी हो गया तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी। अगर आप पाई नेटवर्क को यूज नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कोड मिल जाएगा इन्विटेशन, आपने जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 3 साल हो गए हैं, अगर आप इसको रेगुलर डेली बेसिस पे इसके ऊपर माइनिंग कर रहे हैं फिर भी आपको KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसकी क्या रीजन हो सकती है। सारी रीजन आपके सामने खोल के रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है तो आपने कमेंट लाजमी कर देना, वो भी मैं अगली वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको 3 साल या 2 साल या फिर हो गया आपको 1 साल आप इसके ऊपर माइनिंग करें, आपको KYC का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो इसमें आपकी गलती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करनी है फेसबुक की, जीमेल की, अपने फोन नंबर की, और उसके साथ ही आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है KYC का, जो कि मुझे मिल चुका है क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं माइनिंग करते हुए। आप अगर इसके ऊपर डेली माइनिंग करते हैं, अगर आप इसके ऊपर अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रेफरल बनाने होंगे। अगर डेली बेसिस पे माइनिंग करते हैं तो इसके जो माइनिंग रेट है वो हर मंथ में ये डिक्रीज हो रहा है। स्टार्ट में जब ये लॉन्च हुआ था 5 पता नहीं कितने आपको मिलते थे 1 घंटे के पाई के कॉइन, तो अब ये जाके तकरीबन आपको 1 घंटे में 0.00 पता नहीं कहां तक जाके मिलता है हर महीने, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। आप भी देखते होंगे आपका 1 पाई भी कंप्लीट नहीं होता 24 घंटे में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आपने अपने रेफरल बनाने हैं। अगर आपके पास KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा, या तो आपकी प्रोफाइल में कमी है, कोई चीज आपने अभी तक वेरीफाई नहीं की, या फिर आप इस तरह करते हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में 1 बार इसको ओपन करते हैं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे 1 या 2 बार ओपन करते हैं तो आपके पास KYC का नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको नजर आया होगा, जो ही मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के इसको ओपन किया था तो मुझे KYC का ऑप्शन हर बार मिलता है, लेकिन मेरी KYC का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने कर लिया है, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है KYC का वो अभी आना है। मेरी KYC का रिजल्ट अभी आना बाकी है, KYC का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको भी इस तरह का ऑप्शन मिल सकता है अगर आप डेली बेसिस पे इसके ऊपर माइनिंग करें तो। अगर डेली माइनिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ कमी लाजमी है। अगर कमी नहीं है फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि आपने इसको 2 टाइम इसको ओपन करना होगा, 1 सुबह, दूसरा इसको आपने 3 बजे ओपन करना होगा, 3 बजे और सुबह 9 बजे 8 बजे आप ओपन कर सकते हैं, दिन के 3 बजे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन इसका जो है वो आ जाएगा। अगर नहीं आता फिर आपने कमेंट करना है, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, आपके पास KYC का नोटिफिकेशन लाजमी आएगा। इसके ऊपर तीसरी रीजन ये हो सकती है कि या तो आपके कॉइन जो है 5,000 से ज्यादा है, अगर 5,000 से ज्यादा आपके कॉइन है तो वो
जिन लोगों के 5000 से कॉइन ज्यादा है उनको केवाईसी का नोटिफिकेशन अभी नहीं जा रहा, 5000 से जिनके कॉइन कम है उनको नोटिफिकेशन आ रहा है। मेरे भी आप कॉइन देख सकते हैं कम है, इसलिए मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, और भी बहुत से दोस्त हैं जिनके कॉइन जो है 5000 से कम है उनको भी मिल चुका है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके 5000 से ज्यादा कॉइन है तो उनको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया जी। और एक और बात यह है कि अगर आप अपने कॉइन को सेल करना चाहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये एक बीमारी फैल चुकी है कि लोग आपसे ये कह रहे हैं क्या आप अपने पाई सेल करना चाहते हैं, कैन यू सेल योर पाई। अगर आप अपने पाई सेल करना चाहते हैं तो आप अपने पाई जितने भी आप उनको सेल करना चाहते हैं आप उनको अपने पाई ट्रांसफर करेंगे, वो आपको पेमेंट देंगे। होता कुछ यूं है कि आप अपने पाई उनको सेंड कर देते हैं तो वो आपको पेमेंट नहीं देते, वो आपको ब्लॉक करके गुम हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सो मैं आपको ये एक एडवाइस दे रहा हूं कि आपने अपने जो कॉइन है उनको सेल नहीं करना, आपने उनको सेल आउट नहीं करना, उनको आपने रखे रखना है। जब इसकी प्राइस लॉन्च होगी तो आप अपने कॉइन जो है वो निकलवा सकते हैं। ये कॉइन आप कब माइग्रेट करेंगे, जब आपकी केवाईसी हो जाएगी, जब आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी तब अपने पाई आप सेल भी कर सकते हैं, अपने वैलेट में भी माइग्रेट कर सकते हैं। जब आपके वैलेट में आएंगे वहां से आप किसी को सेल भी कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं, जिसको आप देना चाहें। तो एक प्रोसेस केवाईसी का ये है कि अगर आपकी जब तक केवाईसी नहीं होती आपके जो कॉइन है वो आप किसी को नहीं दे सकते, वो आपके वैलेट में ही रहेंगे। अगर आप इस टाइम जाके अपना वैलेट में जाते हैं तो वहां पे आपको टेस्ट नेट के कॉइन मिलते हैं, अपने जो मेन नेट है मेन नेट के आपको कॉइन नहीं मिलते, सिर्फ आपको किस चीज के मिलते हैं, टेस्ट नेट के। टेस्ट नेट के कॉइन ये है कि आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को सेंड करके अपना वैलेट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपका वैलेट वेरीफाई नहीं है तो। अगर वैलेट को वेरीफाई करना है तो एंड स्क्रीन पे भी आपको मैं वीडियो दे दूंगा, वो उसमें पूरा तरीका है कि आप अपना वैलेट किस तरह कंफर्म करेंगे। सो ये एक तरीका हो गया टेस्ट नेट, और दूसरा हो गया आपका मेन नेट। मेन नेट में तब तक नहीं आएंगे जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी, जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तब जाके आपके जो कॉइन है वो आपके मेन नेट में आ जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपने अपने कॉइन जो है सेल नहीं करने, अपने कॉइन को आप अपने पास रखें जब तक इसकी प्राइस लॉन्च नहीं हो जाती। यहाँ पे बहुत से लोग तरह तरह की अपडेट दे रहे हैं, इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस $314, पता नहीं क्या क्या लोग कही जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो रियल में प्राइस आएगी वो आएगी 0.033 या 0.032 या इस तरह रेंज में आएगी। स्टार्ट में इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे आपको बताऊं कि इसके ऊपर जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक इसके ऊपर आपको एड भी चलने को मिलता है, क्योंकि एड से जो रेवेन्यू आता है वो ये जो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर निकोलस और इसकी चीडियोज पता नहीं क्या इसकी वाइफ है मेरे ख्याल में वो भी सीईओ है इसकी, ये मियां बीवी दो है जो इसको रन कर रहे हैं, ये एड इसके ऊपर चला रहे हैं जिसके मिलियन में ये डेली बेसिस पे कमा रहे हैं, डेली बेसिस पे, क्योंकि 40 मिलियन प्लस इसके यूजर जो हैं वो होने वाले हैं। 40 मिलियन जब इसको डेली बेसिस पे ओपन करेंगे तो क्रिप्टो के रेट के हवाले से इनको एक एड की अर्निंग होती है, तकरीबन ये लाखों में डेली बेसिस पे यहाँ से अर्न कर रहे हैं। अगर ये मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको इसका रेट मिलेगा एक कॉइन का, अगर ये अपनी जेब में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा, ये बैन हो जाएगी, बंद करके ये चले जाएंगे। सो होप सो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में क्या क्या अपडेट मैंने आपको बताई हैं। अगर इसके हवाले से कोई और भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका भी रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।